लाइफ से भर न्यूज से जुड़े रहने के लिए लाइफ से भर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। हुआ कि एक सीवर में सुबिया कर्सरी में हत्या की घटना हुई थी और उसमें जो है जगी झा एवं उनके सहयोगियों ने मिलकर उस हत्या को कारित किया था। शूटर के रूप में काम किए थे तो उनके साथ दो और लोग थे। इस कांड में हम लोग लगातार छापामारी कर रहे थे, लगातार ये कर रहे थे। इसमें पुलिस को सफलता मिली है और जगी झा के साथ साथ उसके दो अन्य सहयोगी अवनीश झा जो कि थाना डुमरा जिला सीतामढ़ी के हैं और हर्ष जो कि पिपराही थाना शिवहर का है, ये तीनों मिलकर उस घटना के दिन आए थे और जगी झा इन दोनों के सहयोग से गांव में आए थे और उन्होंने गोली फायरिंग की थी। उस घटना में घटना को कारित करने के लिए जिस अग्नियास्त्र का प्रयोग किया गया था, दो पिस्टल के साथ वो लोग आए थे, वो दोनों पिस्टल बरामद कर लिया गया है और उसके साथ 41 राउंड्स कारतूस भी बरामद किया गया है। तो इस प्रकार जो है सुबिया कटसरी कांड और जगी झा के अन्य भी कई कांड हैं, उनका एक आपराधिक इतिहास है और पिछले कुछ महीनों से जगी झा एक कुख्यात आपराधी के रूप में आगे बढ़ रहा था, तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के साथ उस पर नकेल कसा है और इस साथ ही साथ इसका जो एक ग्रुप बन रहा था उसको भी ध्वस्त किया। जी, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है सर? सबसे पहले जो हर्ष की गिरफ्तारी हुई थी वो अम्बा कला से हुई थी। उसके निशानदेही पर ही जो दोनों ये खेरा पहाड़ी गांव कटैया बांध के पास स्थित है पुनैया थाना क्षेत्र में, वहाँ से जगी झा और अवनीश झा को कारतूस और अग्नियास्त्र के साथ दो पिस्टल के साथ बरामद किया गया।